प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सामाजिक अध्ययन का पार्ट 3 लोकतंत्र नागरिक शास्त्र पार्ट 3 सरकार के बारे में पढ़ेंगे। आज का विचार है विद्या रूपी धन बांटने से और बढ़ता है। विद्या रूपी धन बांटने से और बढ़ता है। प्रिय विद्यार्थियों, सरकार क्या है? विभिन्न देशों में अलग अलग प्रकार की सरकारें पाई जाती है। कुछ देशों में राजतंत्र है, कुछ देशों में लोकतंत्र है। हमारे देश में भी लोकतांत्रिक सरकार बनाई पाई जाती है, अर्थात ऐसी सरकार जिसका चुनाव लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं, होता है लोकतांत्रिक सरकार। और राजतंत्र होती है जिसको राजा या रानी चलाते हैं, जैसे इंग्लैंड, नेपाल आदि अनेक देशों में राजतंत्र पर। प्राचीन समय में राजतंत्र सरकारें होती थी, लेकिन राज्य का स्वरूप बदल गया है, अब लोकतंत्र सरकारें हैं। आपका एक प्रश्न उठता है कि सरकार क्या है? ऐसी संस्था सरकार किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ऐसी संस्था जो कानूनों के अनुसार शासन चलाती है, उस संस्था को सरकार कहते हैं। अलग अलग सरकार मुख्यतः प्रकार सरकार के सरकार मुख्यतः दो इसे लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वोट डाल कर
ये है प्राचीन प्रणाली है जिसके माध्यम से राजा
हमें आप सुनो क्या हमें सरकार आवश्यकता आवश्यकता क्यों पड़ती क्यों पड़ती है पहला पॉइंट है सरकार हमारे आपसी विवादों को सुलझा सरकार के में आवश्यकता होती है हमें सरकार की आवश्यकता क्यों पड़ती है सरकार हमारे कलाकार के समाज जीवन को बात करती है जैसे हमारा विभिन्नता हुआ देश है उसमें धर्म के नाम पर सामाजिक अंतर के नाम पर जातीय धर्म के नाम पर ये अनेक संप्रदाय में झगड़े हो जाते हैं उनका समाधान भी सरकार करती है सरकार देश में समानता के लिए कानून बनाती है समानता सभी का अधिकार है छोटा बड़ा अमीर गरीब कानून के सामने सभी बराबर है इसलिए सरकार इस बात का ध्यान रखती है कि गरीब व्यक्ति का शोषण ना हो देश की रक्षा और सुरक्षा का दायित्व भी सरकार का होता है जब देश पर बाह्य आक्रमण हो जाता है देश की रक्षा करना सुरक्षा करना सारा मुख्य दायित्व है सेना रखती है उसके लिए और देश की रक्षा करती है देश पर आक्रमण होने पर
सभी सरकार की ओर ही देखते हैं। सरकार लोक कल्याण के लिए नई योजनाएं तैयार करती है, महंगों के लिए, विधवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, जिस प्रकार वृद्धावस्था पेंशन, अपंग पेंशन, अनेक प्रकार की योजनाएं बनाती है, गरीब कल्याण की योजनाएं सरकार बनाती है। सरकार आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपातकाल में, जैसे कि कोई हवाई आक्रमण हो जाए या विपदा आ जाए, जिस प्रकार कोरोना वायरस 19 का प्रकोप हो रहा है, सरकार क्या है पूर्ण रूप से सभी वर्गों की तो के रक्षा अनेक प्रकार की योजनाएं बना रही है। धन्यवाद।